अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं अपने चैनल पे चिकन की रेसिपी। आज हम बनाएंगे कराची की फूड स्ट्रीट की मशहूर रेसिपी बलोची टिक्का। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही चटपटा। तो चले आएँ फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। अब सबसे पहले हम एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म करेंगे और इसमें हम चिकन को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। जो हमने चिकन ली है ये चिकन को हम अच्छी तरह पहले फ्राई करेंगे। इसमें हमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा चाहिए होता है, तकरीबन इसे डीप फ्राई हम करते हैं चिकन को। और 5 से 6 मिनट तक हमें इसे फ्राई करते रहना है, जब तक क्रिस्पी सी चिकन ना हो जाए। इसे हमें फ्राई करते रहना है। अब देखें 5 से 8 मिनट बाद चिकन आहिस्ता आहिस्ता कलर चिकन का चेंज हो रहा है। अब इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। यहाँ हमारे पास ये हरी मिर्चें मोटी वाली नहीं हैं। अगर आपके पास वो मोटी वाली अगर हरी मिर्चें जो बड़ी होती हैं वो मिल जाए तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और देखने में ये बहुत अच्छी लगती हैं। अब हम ये हरी मिर्चों के साथ और लहसुन अदरक का जो हमने पेस्ट डाला है इसके साथ भी हम थोड़ा सा चिकन फ्राई करेंगे अच्छी तरह। बलोची टिक्का में चिकन जो है थोड़ी सी क्रिस्पी सी होती है, अच्छी तरह फ्राई होती है। अब देखिए चिकन अच्छी तरह हमने फ्राई कर ली है, इसका कलर भी गोल्डन सा हो गया है और हरी मिर्ची भी इसके साथ साथ फ्राई अच्छी से हो गई है। जब सारी चीज़ें अच्छी से फ्राई हो जाएं, तो इसे हम किसी भी डिश में निकाल लेंगे चिकन को। हम इसके लिए मसाला प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून काला नमक और तकरीबन 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें आमचूर पाउडर। और अब डालेंगे हम टाटरी में 1/4 टीस्पून टाटरी। और अब डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, भुना कुटा जीरा डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, चाइनीज सॉल्ट डालेंगे हम इसमें 1/2 टीस्पून, इसमें हम डालेंगे नमक, नमक हसबे जायका डालेंगे, आप टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको मसालों में लगता है नमक कम है क्योंकि हमने इसमें चाइनीज नमक भी इस्तेमाल किया है तो फिर अपने टेस्ट के मुताबिक आप नमक डालिएगा। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून सिरका, और सबसे लास्ट में डालेंगे हम चाट मसाला 1/2 टीस्पून।
अब हमने प्रिपेयर कर लिया है ये सारे बलोची टिक्का के लिए मसाले। अब इसे हम मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पर सिरका यूज़ किया था, अगर आपके पास लेमन है तो वो बहुत अच्छा है। अगर आप लेमन यूज़ करते हैं तो इसमें बहुत मज़े का खट्टा सा और ये स्पाइसेस टेस्ट मिलकर बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है बलोची टिक्का में। अब हम फ्राई की हुई चिकन किसी एक डिश में डालकर इसके ऊपर जो हमने मसाला तैयार किया है अभी वो हम मसाला अच्छी तरह चिकन के ऊपर डाल देंगे। मसाला आप चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से डालिएगा। अगर आपके पास चिकन ज़्यादा है तो फिर आप ये मसाला ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर चिकन कम है तो ये मसाला फिर आप कम डालेंगे। तो अब तैयार है मज़ेदार बलोची टिक्का। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।